उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में तेंदुआ की दस्तक के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। उधम सिंह नगर जनपद के दिनेशपुर के ग्राम सुंदरपुर में एक तेंदुए ने इलाके में दहशत मचा रखी है, जिसे पकड़ने में वन विभाग की टीम भी पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है। तेंदुआ शिकार की तलाश में एक के बाद एक पालतू जीवों को भी अपना निवाला बना रहा है। इलाके के लोग लगातार वन विभाग से संपर्क कर इस तेंदुए को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की गुहार के बावजूद वन विभाग सुध लेने को तैयार नहीं है। हालांकि इतिश्री करने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर तो पहुंच रही है, लेकिन तेंदुए को पकड़ने और उसे काबू करने में पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रही है। फिलहाल जब तक सुंदरपुर गांव से इस तेंदुए को पकड़ जंगल में नहीं छोड़ा जाता, तब तक गाँव के लोग दहशत में जीने को मजबूर है। मामला ये जंगल के किनारे गांव है, यहाँ एक तेंदुआ भी ड्रोन के द्वारा देखा गया है। ड्रोन से जब लगाया तो देखा गया है, पहले दूसरे खेत में था, गन्ने के खेत में चले गया, तो गन्ने के खेत में छुपा है, भी फिर लगा रहे हैं ड्रोन। उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति बनाई जाएगी, जो भी होगा, जैसे पकड़ने का होगा या टेम्पलाइज करने का, जो भी अपने सीनियर अफसर को सूचना देने के बाद तभी आगे कार्रवाई की। आपने पुष्टि कर चुके हैं कि यहाँ पर तेंदुआ है, लेकिन उसके पकड़ने के लिए उपाय क्या है? हाँ, पकड़ने के लिए अब हम जो भी होगा आगे कार्रवाई करेंगे। जैसे कि आप पूरा चारों ओर आबादी वाले क्षेत्र, गांव वाले, काफी लोग भीड़ भी है, इसके किनारे नाला भी है, हो सकता है अभी नाले में चले जाए, जंगल से लगता हुआ नाला है, उसी नाले में हो सकता है चले जाए, लेकिन अभी हम कर ही रहे हैं यहाँ पर। प्रथम दृश्य क्या लगा, कितना बड़ा तेंदुआ है? तेंदुआ तो आया है जंगली, जंगल से आ गया, भटक के आ गया हो या बच्चे के उसमें आ गया हो, आ सकता है। अपनी दूरबीन से देखा कि लगभग कितना बड़ा होगा? अडल्ट है, अडल्ट है। तो गांव वालों का क्या अपील है, गांव वालों से क्या कहना? गांव वालों से मैं यही अपील करता हूँ कि आप भीड़ नहीं लगाएं, इनके भीड़ लगाने की वजह से ज़्यादा परेशानी इसलिए हो रही है कि टेंपो अग्रेसिव हो रहा है, हमने देखा उसमें भी तो अग्रेसिव हो रहा हो, इसलिए गांव वालों से ज़्यादा मेरे कहने का मतलब कि आप बाहर ही रहें, भीड़ न लगाएं, और तो शाम को या कभी भी अगर आपने बाहर जाना तो अकेले नहीं जाएं, सभी लोग इकट्ठा होकर जाएं, मतलब परिवार के भी लोग हैं तो तीन चार लोग साथ ही जाएं, अकेले कोई नहीं जाएं। और ये ज़्यादातर कुत्ते और बिल्ली, कुत्ते को ही ज़्यादातर खाता है, और या जो यहाँ मुर्गी वर्गी होंगे इनके, इनको ज़्यादा अटैक नहीं पर करता है, सर, कम ही करता है। जंगल से गांव में आने का कारण क्या हो सकता है? जंगल से आजकल बच्चे देने के लिए भी या टाइगर वाइगर इसके बच्चों को मार देते हैं, इस चक्कर में हो सकता है। सर, आपका पूरा शुभ नाम? मेरा BS कैडर, फर्स्ट टाइम। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।